हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा बसी, जैसे मेरी शादी होगी, बसी मेरा बड़ा प्यारा भाई है, मेरी शादी होगी, मेरे दो बच्चे हैं, रणबीर की शादी होगी, उनके बिटिया हुई है, कैसा लग रहा है आपको अपने दोस्तों के बीच भी छड़ा जेठ बन के घूमते हो आप? आपको आपके दोस्तों की बीवियां नहीं कहती हैं कि बसी कर लो शादी, बस कर बसी? अभी नहीं सोच सकता, ये देखो आप लोगों ने आराम से सेटल होके करा है ना। तो मैं नहीं, सच्ची में आपका शादी में इंटरेस्ट नहीं है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि आदमी को बहुत कुछ पता है मेरे पास। मतलब अभी शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। पर ना मैं आपको एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे बाकी दोस्त जो शादीशुदा हो चुके थे है ना, जैसे उनमें से एक ही बैठा हुआ डिंगरा, जिन दोस्तों की शादी नहीं हुई थी ना वो दोस्त बड़े बुरे लगते हैं दोस्तों की बीवियों को। वो आप अगर साथ में बैठे पार्टी करो तो वो आपके कान में आग बैठी, इसका तो कोई पूछने वाला है नहीं, तुम तो उठो चल के, इसका तो कोई मुंह सूंघने वाला है नहीं, ना बीवी ना बच्चे, चलो ये तो टेबल पे सो जाएगा, तुम तो उठो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अच्छा शादीशुदा आदमी को जो बीवियां होती हैं वो भेजती भी शादीशुदा दोस्त के साथ ही है, ताकि ये दोनों दोस्त जा रहे हैं उसकी और मैं बीवी हम आपस में बात करेंगे कि फर्स्ट हाफ तक तू फोन करके पूछती रहना, सेकंड हाफ तक मैं करती रहूंगी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। रणबीर, ऐसा कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि मियां बीवी के रिश्ते में शांति बनी रहे थोड़ा बहुत हस्बैंड को झूठ बोलना पड़ता है, थोड़ा तो आपकी थोड़ा। तो आपको कभी नौबत आई है ऐसी? आई थिंक व्हाइट लाइज इज पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, कि कभी कभी हम एक झूठ बोल देते हैं बट इट्स फॉर द अदर पर्सन्स बेटरमेंट, सामने वाला हर्ट। हाँ, लेकिन ऐसा अभी मैंने कुछ गलत या कॉन्ट्रोवर्शियल किया नहीं है बहुत सालों से कि मैं ऐसा झूठ बोलूं या कुछ छुपाऊं। अच्छा, मेरा कहना का यह मतलब है कि मैं आजकल बहुत पत्नी व्रता इंसान बन चुका हूँ। क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू ब्रो। अच्छा रणबीर के ऑपोजिट इस फिल्म में तू झूठी मैं मकार में श्रद्धा है, और ये श्रद्धा को छोड़ के बस्सी को लेके घूम रहे हैं। तो आपकी श्रद्धा के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही, या इनके साथ दाढ़ी ज्यादा अच्छी मिल गई है? मुझे इतना लगाव हो गया कि मैंने अपना हुलिया ही बदल दिया इसके जैसे दिखने के। दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो, सीरियसली आप दाढ़ी का कोलैबोरेशन कर लेना, एक कंबल बना सकते हो। देखो पाजी, मेरा ये मानना है कि लड़कों को लड़के ही समझ सकते हैं, यू नो, ये हम सब जानते हैं। बिकॉज लड़कियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनका उनको समझना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि कोई लड़के का कोई दिल टूटता है तो उनका टोन निकल आता है, दाढ़ी बढ़ा देता है। हाँ। लेकिन जब लड़की का दिल टूटता है तो फिर क्या होता है, वो मतलब एक बार उनका अपर लिप और आईब्रो सेट हो जाए तो बहुत जल्दी कोई और सेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मैं अभी इस फिल्म को लेकर ना मैं लड़कियों से थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ। ये बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली लड़के ना बड़े देवदास बन जाते हैं, लड़के मजा ले एक ही दिन बिना मेकअप के आ जाएं, रोएंगे भी तो पूरा लगा के। हाँ। वो आंसू यहीं रोक देती हैं कि इससे नीचे आया ना जाइए। हाँ। बस ये आप इनके दोस्त बने हैं रणबीर के फिल्म में, और आप बीच बीच में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, दोस्त होने के नाते अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपकी कोई विशेष टिप्पणी लड़कियों के बारे में? सर ज्यादा औकात तो नहीं मेरी फालतू बोलने की, पर मेरा बस छोटा सा पॉइंट है कि थोड़ी सॉर्टेड हो सकती हैं लड़कियां एज कम्पेयर टू बॉयज, स्पेशली शॉपिंग को लेकर सॉर्टेड बोल रहा था, क्योंकि लड़कों का बहुत सिंपल है, हम शॉपिंग करने गए, हम अगर रेजर खरीदने गए तो रेजर ही लेकर आएंगे। हाँ। हो सकता है ब्लेड भी ना लाए। हाँ। सही है। हम कई बार तो पैसे ही उतने लेके निकलते हैं, कुछ और चीज खरीद ही नहीं सकते, मन कर भी जाते हैं। और ये एक चीज अगर लिपस्टिक लेने गई है तो बाकी सारी ले आएंगी। हाँ। वो भूल जाएंगी ताकि अगले दिन वो दोबारा लेने जाना पड़े। तो थोड़ा शॉपिंग में सॉर्ट हो सकते हैं, बाकी तो तुम बेटर हो ही, हम क्या कर सकते हैं। रणबीर, जो आपने ट्रेलर में झूठ के ऊपर मोनोलॉग बोला है, वो मतलब इतना लंबा भी है और एकदम से आदमी ध्यान से सुने समझ में नहीं आता कभी कभी। बिल्कुल। और आपको एक ही बार में याद हो गया था वो कि नहीं, नहीं, पड़े? पाजी बिल्कुल नहीं। और ये हमारे निर्देशक लवरंजन बहुत ही मतलब क्या बोलूं उनके बारे में, डरावनी किस्म के डायरेक्टर है, क्योंकि हमें जो सीन मिलता था वो सीन के 4 घंटे पहले मिलता था। अच्छा। और जैसे वो लिखते हैं वो ऐसे 5-5 पेज के मोनोलॉग्स लिखते हैं, जैसे आपने उनकी पहली फिल्मों में भी देखा है। राइट। और उनकी जो डायलॉग राइटिंग है उसमें बहुत म्यूजिकलिटी है, रिदम है, टोन है। अच्छा। तो और उन्हें ये भी पसंद नहीं है कि आप डायलॉग के बीच में सांस लो या ब्लिंक करो। अच्छा। तो ऐसा मतलब नॉर्मल सीन में भी ऐसा लगता है कि हम एक्शन सीन है ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल होता था ये सब करना। अभी आपको याद है? थोड़ा बहुत याद है, मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी प्लीज हो जाए एक बार। झूठ बोलकर पकड़वाना नहीं है बल्कि झूठ बोलकर सच में छुपाना है, फिर दो और झूठों में छुपाना है, फिर सच में छुपा के उस सच में झूठ की मिलावट का हल्का सा हिंट देना है, वो लड़की है बाकी वो खुद कर लेगी, तुझे बस हल्का सा शक कराना है। हाँ।
ये जो हम बता रहे हैं इस फिल्म के जरिए, मेरा ये मानना नहीं है. आई थिंक वीमेन आर द बेस्ट स्पीशीज इन द वर्ल्ड. आई डोंट थिंक दे आर लायर्स. आई थिंक हम ही लायर्स हैं, हम ही मकार है. उनकी तो पूजा करनी चाहिए. दे आर द हायर बीइंग्स. तो इसमें मैंने बहुत एक्टिंग की है क्योंकि आई डोंट बिलीव इट. वेरी नाइस. मैं रणबीर की फिल्म देखने के लिए एक बार झूठ बोला था. मैं एम्स्टर्डम में था तो इनकी फिल्म संजू रिलीज हुई. अच्छा, मुझे नहीं पता था वहाँ के सिनेमा हॉल में क्या होता है. हम लोग 10 मिनट लेट पहुंचे. सिटी से बाहर सिनेमा था तो वो चले गए भाई. वो घुसने नहीं हमें. क्यों? बोलते हैं फिल्म शुरू हो चुकी है. तो मैंने गूगल किया, मेरी और रणबीर की फोटो थी साथ में अपने शो की. मैंने कहा सी आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म. उन्होंने देखा, बोलता है ओके. बट वो पीछे गया टॉर्च लेके, उसने ऐसे बोला धीरे धीरे आओ. हम ऐसे ऐसे गए और जाके बैठ के देखा. और क्या परफॉर्मेंस दी थी आपने ब्रह्मास्त्र के लिए. ढेर सारी मुबारक भाई, बहुत कमाल. आइए विराजमान हो जाइए यहाँ पे. जोरदार तालियां बसी और रणबीर भाई के लिए. अच्छा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी हो तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, ये जवानी है दीवानी में रणबीर जो है बर्फ के ऊपर रोमांस कर रहे थे. वेकअप सिद में ये बीच पे रोमांस कर रहे हैं. अनजाना अनजानी में ये बोट पे रोमांस कर रहे हैं. बचना है सीनों में ये लिफ्ट में रोमांस कर रहे हैं. लेकिन ब्रह्मास्त्र में जो अपनी धर्म पत्नी आलिया जी के साथ रोमांस करने के बारे, ये मंदिर में जाके माथा टेकने जाते हैं. आप ये मानते हैं शादी होने के बाद आदमी धार्मिक हो जाता है ज्यादा? बिल्कुल नहीं. वैसे मैं घर पे रोमांस कर रहा हूँ ना, मैं पर्दे के ऊपर नहीं रोमांस कर रहा हूँ. तो जब बीवी के साथ ज्यादातर घर पे रोमांस होता है. ज्यादातर अच्छा, बस्सी को हमने हमेशा स्टैंड अप करते हुए देखा है. पहली बार आप लोग इनको बैठ के एक्टिंग करते हुए देखेंगे. बस्सी, ऐसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे डायलॉग बोल रहे थे और आपका उठने का मन हो, या कभी आपको लगा लाइन तो बोल दी, तालियां क्यों नहीं आई सामने से, या एक्टिंग करते करते मन में खड़े रहते थे आप? नहीं सर, मैं तो देखो, वो जो सेम डायलॉग वाली बात थी, वो डायलॉग याद करने किसी और के लिखे हुए मैंने बोले नहीं कभी. तो खुद का तो बीच में से थोड़ा सा चेंज भी कर दो तो क्या फर्क पड़ जाता. और लव सर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है. वो एक कॉमा भी उन्हें चाहिए कि यहाँ पे ना, जैसे कॉमा जितनी देर का होता है उतनी देर रुको. अच्छा. और ऐसा वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. इस इंसान से करो तो समझ में आता है. तो मैंने कई बार ऐसे में सोचता था, मैंने कहा सर यही कर देता ना, थोड़ा और बेटर लग रहा है. तो वो बोलते मुझे सिखा रहे. मैं कहा नहीं नहीं, मैं याद यही हो गया है मुझे. एक जगह पे मेरा डायलॉग नहीं था, मेरा एक्सप्रेशन था जो स्क्रिप्ट में लिखा था. मुझे नहीं समझ में आया क्या है. भाई ने डायलॉग बोला अपना, तो लव सर मेरे पास आए, बोले तुझे ऐसा एक्सप्रेशन देना है जैसे तेरे दोस्त ने कोई घटिया बात की है. तो मैं कहा इसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो भाई से मैंने बोला क्या करूं, तो इन्होंने ऐसे आईब्रो हिलाई, कुछ तो करा. मैंने कहा आप ही कर सकते हो, हमें थोड़ी ना आता. फिर लव सर ने बोला कि तेरा दोस्त कोई घटिया हरकत कर रहा है, कैसे करेगा? मैं कहा मैं बोल दूंगा दोस्त को कि घटिया हरकत है. मैं एक्सप्रेस थोड़ी ना करूंगा ऐसे बैठ के. मुझे नहीं आता. फिर मैंने भी बहुत ही बुरा एक्सप्रेशन दिया. फिर लव सर बोले मैं कोई डायलॉग देता हूँ. बट हो गया फिर धीरे धीरे. लिटरली भाई ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे मैक्सिमम डायलॉग ही नहीं आते. तो इन्होंने मुझे बताते रहे ऐसे करा, ये कर, ये कर. तो हो गया. जब जैसा भी हो तो आप लोग देखो कि मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा माइक लेके. बट इससे पहले कभी एक्टिंग की नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं किया. तो बहुत नेचुरल लग रहे बस ये आप. मुझे तो कुछ नहीं पता था. मैंने बस लव सर से एक लाइन बोली थी कि मेरा स्टैंड अप बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ खराब काम मत कराना. मेरी और एक दुकान खोलने के चक्कर में बंद हो जाए. और शुरू में तो बहुत फनी होता था. बोल रहे कि मार्क पे जाके खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो. हाँ. तो मैं मार्क पे जा रहा हूँ, नीचे देखता हुआ. कि जिन्हें नहीं पता है मार्क कितना सा टेप होता है. हाँ. ठीक है. अब मैं बस जा, वो जमीन पे लगा हुआ है, कैमरा उसके हिसाब से लगा हुआ है. तो हमारा तो स्टेज पे कहीं भी चले जाओ जहाँ पे मन में. हाँ. और मैं जा रहा हूँ, मैंने मार्क ढूंढ रहा हूँ. तो लव सर कह रहा हूँ ऊपर देखता हुआ. मैंने कहा फिर मार्क कैसे देखूंगा अगर ऊपर. फिर उन्होंने बोले कदम गिन ले. तो मैंने 9 कदम गिने. अब जब मैं जा रहा हूँ, मैं 9 बोला तो मैं डायलॉग भूल गया क्योंकि मैं कदम गिनता. रणबीर, आपके साथ जैसे आपकी फिल्म में है कि आप लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बड़ा झूठ बोल रहे हो, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कॉलेज स्कूल कभी भी कि कभी आपने झूठ बोला हो, शरेआम ही फंस गए हो आप? एक्चुअली बचपन से ही मैं बहुत बड़ा झूठा रहा हूँ. लेकिन मुझे याद है, झूठ नहीं था लेकिन क्लास चल रही थी एंड हमारे स्कूल में कुछ 40-50 बच्चे होते थे एक क्लास में. और एक ऐसा पीरियड चल रहा था जो बहुत बोरिंग पीरियड था. तो मैं हमेशा लास्ट बेंच पर बैठा करता था. एंड क्योंकि आई वॉज अ नॉटी किड, तो मैंने ऐसे, अगर ये क्लासरूम है और वहाँ टीचर है, मैं ऐसे अपने चारों ऐसे यहाँ होके मैं ऐसे क्लास के बाहर स्नीक कर रहा था. तो जैसे मैं स्नीक कर रहा था और मैंने यहाँ ऐसे ऊपर देखा, मेरा प्रिंसिपल ऐसे खड़ा था. और हमारे स्कूल में हमारी बहुत पिटाई होती थी. अच्छा. ऐसा नहीं कि आजकल तो आप किसी को गुस्सा भी नहीं कर सकते. तो इस इंसान ने मेरी
मेरे कान से मुझे ऐसा पकड़ा और एक कॉरिडोर होता था उसने ऐसे झापड़ मार के मुझे यहाँ लेकर गया, फिर ऐसे मेरा बाल पकड़ा, फिर इधर ऐसे मुझे टर्न किया, फिर वापस ले आया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे थे ऐसे बाहर, मतलब क्या ये क्या हरकत क्या थी? बोले थप्पड़ मारने से पहले पूछना। तो मेरे आप पता एक्सरसाइज होती मेरी मेरी फ्रेंड की चश्मे बाहर गिर गए थे, मैं वो उठाने जा रहा था। वो थप्पड़ की गूंज मुझे अभी तक याद है, अभी तक गई नहीं है। तो ये अच्छे स्कूल था, कितने अच्छे से, कितना स्वीट सा झूठ था ये चश्मा। हमारे यहाँ के लड़के लड़कियों से बात करने के लिए बोले मेरे दिल में छेद है। दिल में छेद है। जैसे अभी आपने रणबीर की शरारत सुनी, ये दयावान भी बहुत है। अच्छा, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। पिछले सीजन में नीतू मैम हमारे शो पे आई थी, आपके बारे में एक बड़ी अच्छी बात बता के गई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। हमने ना एक और खबर सुनी थी रिधिमा, कि जब आप लंदन में पढ़ाई कर रही थी तो रणबीर ने मौके का फायदा उठा के आपकी काफी सारी चीजें उठा के अपने गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट कर देता था। तो आप हमें बता सकती हैं टोटल आपकी कितनी चीजें मिसिंग थी ताकि हम आइडिया लगा सके? नहीं, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। मैं लंदन में थी, मैं वापस आई हॉलिडे के टाइम और मैं बैठी हूँ और उसकी एक गर्लफ्रेंड घर पे आई और एक टॉप पहना, मैंने बोला ये टॉप बहुत फैमिलियर है, मैंने देखा लेकिन शक्ल नहीं देख रही, मैं सिर्फ उसकी वो देख रही हूँ, मुझे टॉप ये टॉप नहीं मिल रहा था मुझे कंफर्ट से। तो बाद में पता चला कि वो मेरी चीजें निकाल के उसको देता था, यू नो। आप कुछ सफाई देना चाहेंगे इस बारे? बिल्कुल नहीं, हम सब करते, आपने भी किया होगा अगर आपकी बहन। मैं तो मम्मी की चीजें भी चोरी करता था। ये लो आपके लिए लाया हूं। हम गिफ्ट विफ्ट नहीं करते थे, हम भाई बहनों के आपस में हम कपड़े पहन लेते थे बचपन में, फ्रॉक व्रॉक भी पहन लेते थे। वो पहना ही जाते थे कि पता नहीं चला था बहुत ज्यादा वो क्या रहा हमारे साथ। जैसे मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ ना, तो अभी उस समय इतने मोबाइल वाइल थे नहीं, तो मेरी मामी को किसी ने बोला कि बेटी हुई है, हुआ था बेटा, उन्होंने फ्रॉक भेज दी, तो मेरी माँ ने भी कहा अब आ गई है तो पहन लो, तो 3 साल फ्रॉक ही पहनता रहा। आपको पता ये वाला जो आपका किस्सा जब सुना ना कि गर्लफ्रेंड को उठा के चीजें, ये पांडे हमारा ड्रम वाला, इसने फॉलो करना शुरू कर दिया आपको, कि रणबीर अगर गिफ्ट कर सकता है अपनी बहन की चीजें उठा के गर्लफ्रेंड को, इसकी बीवी ने एक बार प्लाजो मांगा, इसने दादा का पजामा दे दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।